अर्नब मोदक नाम के एक 16 साल के छोटे से बंगाली लड़के ने चाइना और चाइनीज ऐप जूम के डेवलपर्स को उस टाइम हैरान कर दिया जब इस छोटे से लड़के ने मात्र 2.5 महीने की मेहनत के बाद एक वीडियो कॉलिंग ऐप बना डाला। ये वीडियो कॉलिंग ऐप दृष्टि नाम से प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। इस ऐप की खास बात यह है कि ये फ्री है, सिक्योर है और इसमें एक समय में 100 लोग वीडियो कॉल में बैठ सकते हैं। गाइज, अगर आप वाकई में मेड इन इंडिया का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अर्नब मोदक जैसे इंडियन टैलेंट को आगे जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को इंडियन टैलेंट का पता लग सके। गाइज, डू शेयर दिस वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू। साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया, लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइज, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको यह सुनके कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक दंपत्ति ने चोरी छिपे अपना टेस्ट करवाया, लेकिन जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो घर में खुशियां मनाई जा रही थी। क्यों? क्योंकि घर में जुड़वा बच्चे आने वाले थे, जिसमें से एक था लड़का लेकिन दूसरी लड़की थी। क्या आपको पता है कि इस खुशी के मौके पर घर में सबसे ज्यादा खुश कौन था और कौन किसे सबसे ज्यादा दुआएं दे रहा था? ध्यान से सुनिएगा। इस खुशी के मौके पर सबसे ज्यादा खुश थी वो लड़की जो कोख में पल रही थी, और वो कोख में अपने साथ पलने वाले भाई को सबसे ज्यादा दुआएं दे रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि शायद तेरी वजह से अब मैं ये दुनिया देख पाऊंगी, अदरवाइज ये लोग मुझे कोख में ही मार डालते। गाइज, ये कटाक्ष है उन लोगों पर जो कि लड़कियों को बोझ समझते हैं, और मेरे ख्याल से वो दुनिया के सबसे ज्यादा बदनसीब लोग हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं।